लैंडफॉल प्रोसेस अभी कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है। हेवी बारिश का संभावना है हमारा नॉर्थ ओडिशा में। पर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना अभी लास्ट अब देखेंगे तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वार्ड में गति किया है विथ द स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर में। एंड अभी हम देखेंगे तो धामरा से 15 किलोमीटर नॉर्थ में है और हबेलीखट्टी कैंप जो भितरकनिका में आता है उसमें से 30 किलोमीटर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है। अभी जो फिलहाल जो इंटेंसिटी है अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और उसका विंड स्पीड अभी भी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, अगस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर में है। लैंडफॉल प्रोसेस अभी कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है और रेयर एंड मतलब पीछे साइड साइक्लोन का अभी लैंड का ऊपर आ रहा है एंड वो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटा लगेगा, अनदर 1 or 2 hours लगेगा। उसका बाद उसका मूवमेंट रहेगा मोस्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड और अक्रॉस नॉर्थ ओडिशा एंड धीरे धीरे दुर्बल मतलब वीक होने का संभावना है इनटू ए साइक्लोनिक स्टॉर्म। आज फोरनून तक साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होने का संभावना है। 12 बजे शुरू हुआ, 5 घंटे से ज्यादा हो गया, तो ये अभी कौन से वेस्ट बंगाल की तरफ बोल रहा है या उड़ीसा की? उड़ीसा के तरफ जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड हमारा जो केंजर मयूरभंज का तरफ जो रास्ता होता है टुवर्ड्स इंटीरियर नॉर्थ इंटीरियर ओडिशा, तो वहाँ हेवी बारिश का संभावना है? आज भी हेवी बारिश का संभावना है हमारा नॉर्थ ओडिशा में और किस कुछ जिला में जैसे अनुगुल, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खुर्दा, जाजपुर, भद्रक, ढेंकानाल, पुरी जिला में भारी से अति भारी बारिश कुछ स्थानों में हो सकता है। उसका साथ एक आध जगह में एक्सट्रीमली हेवी रेन भी होने का संभावना है। तो अभी इसका प्रभाव कितना दिन, 2 दिन और रहेगा? इसका प्रभाव आज तो पक्का रहेगा, आज पूरा स्टेट में बारिश रहेगा और कल उसका प्रभाव बहुत कम हो सकता है।